नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीआई की फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों, जो तरीका आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। तो किस तरीके से मार्कशीट को डाउनलोड किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वही सारा का सारा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आईटीआई की फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है एनसीबीटी मिस। जैसे ही आप एनसीबीटी मिस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पर ही एनसीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा हुआ है www.ncbt.gov.in, आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आप यहाँ ऊपर के साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे होम, आईटीआई, ट्रेनी, वेरिफिकेशन। तो आपको तीसरे नंबर पर जो ट्रेनी दिखाई दे रहा है आपको ट्रेनी पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेनी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ट्रेनी सर्च और दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है ट्रेनी प्रोफाइल, तो आपको ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी कुछ बेसिक डिटेल भरनी होगी। जैसे आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में डालना है और आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आपको सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना है और रोल नंबर के आगे जो दो जीरो होती है उनको हटा के आपको वहाँ पे कैपिटल में आरा डालनी है। तो मेरी जो भी डिटेल है मैं अपनी डिटेल को यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रोल नंबर डाला है, रोल नंबर में दोस्तों मैंने आगे से दो जीरो हटाकर यहाँ पे कैपिटल में आर लिख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाला है, यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद हमें आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपकी जो भी प्रोफाइल होगी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका नाम आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। दोस्तों मैंने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ब्लर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल जानकारी है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा आधार नंबर, तो मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है। आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जिसमें दोस्तों आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे नीचे एक प्रिंट सर्टिफिकेट का और नीचे दिखाई देगा प्रिंट मार्कशीट। तो आप यहां से प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट मार्कशीट पर क्लिक करके अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने वाले हैं, तो मैंने यहां से प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक किया है। इसके बाद दोस्तों मैंने दोबारा से डाउनलोड अगेन पर क्लिक किया है। जैसे मैंने डाउनलोड अगेन पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका फोटो दिखाई देगा, आपका रोल नंबर, आपके सर्टिफिकेट का क्यूआर कोड और आपकी जो भी डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल आपके इस सर्टिफिकेट में है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए आपको वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रिंट मार्कशीट, आपको प्रिंट मार्कशीट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट मार्कशीट पर क्लिक करेंगे आपको दोबारा से डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड अगेन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो भी मार्कशीट होगी, ये दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट है। आप इस मार्कशीट को किसी हार्ड पेपर पर रंगीन में कॉपी करा के कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन मार्कशीट है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप मात्र 2 मिनट के अंदर अपने फाइनल की मार्कशीट और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे।